ऊच नीच फिर क्यों है जेकर सब दा पालनहार है इको। ऊच नीच फिर क्यों है जेकर सब दा पालनहार है इको। दाता दा दरबार है इको, ओ सच्ची सरकार है इको। किसे नू लगे हासियां वर्गी ते किसे नू लगे हावियां वर्गी, दिल दा मौसम अपना अपना। घुंगरू दी छणकार है इको, उसदे प्यार दी तांग ने मैथों प्यार कराया हर बंदे नू। वंड छड्डिया है जिसनू नावां विच, जे सोचो करतार है इको, जे सोचो करतार है इको। बहुत ही वधिया इन्हां लाइनां नाल मैं हाजिर हां जी जगतार सिंह जग्गी। सब तो पहला जस पंजाबी देखने वाले ते पंजाबी माँ बोली नू प्यार करने वाले प्यारे प्यारे पंजाबियों नू मेरे वालों हमेशा की तरह प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सलाम, हैलो है ते नाल बहुत बहुत निघा स्वागत अज दे इस लाइव शो दे विच। अज दे लाइव शो की गल करिए तां साडे दर्शकों वास्ते खास होएगा जी। असी जिमें मैं हमेशा गल करता हूँ जो मैं स्काइप पर कोई गैसट लेना तो फिर मैं जड़िया करंट गलबात टॉपिक आ फिर मैं उदों नहीं करता, क्योंकि फिर सोशल मीडिया जो प्रोग्राम जाना होंगे तो फिर कई बार डेट वाइज जी गल वो चंगी नहीं लगती। सो बाकी जड़िया गल्लां हैगियां आपां गल करांगे, चन्नी साहब के भंगड़े की भी तो बाकी मोदी साहब भी आए उन्होंने भी गल करांगे। पर सब तो पहला असी गल करते हैं जी, एक छोटा जिहा शब्द है समाज सेवा, सोशल वर्कर असीं जिन्हों कह दें। कहना ही बड़ी सौखी है तो जे असी देखीए तो करनी बहुत औखी है। हर बंदा खास तौर पर पंजाबियों की गल करिए तो आपो अपने तरीके दे नाल किसी ना किसी तरीके समाज सेवा कर रहे हैं बहुत सारे लोग। और साडी कोशिश ये होंदी जस पंजाबी दी, जिथे भी कोई चंगा कॉज हो रहा है उन्होंने असी दर्शकों के सामने जरूर लैके आईए। और पंजाबियों की गल करिए तो पंजाबियों ने बहुत पूरी दुनिया के बहुत समाज सेवा की है, पर वो वक्री गल है भी यदी आड़ थले कुछ एक इहो जिही संस्थावां भी आईयां जिन्हां ने मौके का फायदा उठा के ते अपने घर भरे अपन जेबां भरियां। पर अज असी जिस संस्था की गल करनी है वो 7 साल पुरानी संस्था है, और वो असी उस संस्था की गल दावे नाल कह सकते हैं जिन्हां नूं असी परसनली जानते होइए, जिन्हां नूं सानूं पता है कि असी ये जानते हैं ये कौन ने, संस्था चलाने वाले की काम करते हैं, उन्हों की असी गल दावे नाल कह सकते होंगे हैं। सो अज भी एक ऐसी संस्था की गल तुहाडे नाल सांझी करनी है जी जो काफ़ी लंबे समय तो खास तौर पर असी गल करी दी है। बाबा नानक जी ने भी कहा सो क्यों मंदा आखिया जित जमै राजान। ये संस्था खास तौर पर औरतों की हैल्प वास्ते, मदद वास्ते बनाई गई सी ते अज तक मदद करती आ रही है। संस्था का नाम है जी इंटरनेशनल सिख काउंसल फॉर वुमेन। नाम तो ही पता लगता है कि औरतों की सहायता वास्ते संस्था बनाई गई। बनाने वाले ये फाउंडर ने नवनीत कौर चाहल, ऑरेंज काउंटी के एल ए रेंदे ने। हुण असी पिछले दिनों के जो मिस एंड मिसिज पंजाबन दीआं रहसला वगैरह चलदियां उत्थे ते जाईदा ते उत्थे मिले, मुलाकात इन्हां नाल होई जदों ते इन्हां ने काम अपने दस्से तो मैनूं बहुत वधिया लग्गिया ते मेरा दिल कीता कि मैं ये सारे दर्शकों के नाल भी साझा करना बनता है, पूरी दुनिया के साझा करना बनता। एक तो इस करके कि इन्हां दी जे कोई हैल्प कर सकदा होया वो कर दूँ, तो दूजा इस करके पूरी दुनिया में बैठे पंजाबी जिहड़े आ उन्हां नूं एक हौसला मिलता, उन्हां नूं एक प्रेरणा मिलती है चंगे काम करने वास्ते। नवनीत कौर चाहल की गल करिए तो मिस एंड मिसिज पंजाबन दे ओह पार्टिसिपेंट भी हैगे आ। सो चलदे उन्हां नाल उन्हां दी संस्था बारे जानदे आ ते की कहिंदे ने ओह, की संस्था ते की उहदे काम ने। जी नवनीत सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत लाइव शो च। सत श्री अकाल जग्गी जी ते सारे जस पंजाबी चैनल देखने वालियां नूं मेरी बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। पहला तो देखो जी मैं तुहाडा इस गल्लों बहुत ज़्यादा धन्यवाद करदा पंजाबियों वालों भी, तुसीं संस्था जिहड़ी बनाई है, तुसीं इहदे फाउंडर हो, इंटरनेशनल सिख काउंसल फॉर वुमेन। ये कोई सौखा काम नहीं, चलदे काम दे नाल तुरना सौखा है। मेरे वर्गा माड़ा मोटा आपदा योगदान पा के कह दूँ मैं भी समाज सेवा कर रहा, पर जिहड़ा बंदा मूहरे लगदा उहनूं पता हुंदा भी किन्नियां कठिनाइयां आउंदियां। तो मैं गलबात करने तो पहला संस्था बारे या जो अजकल कॉज कर रहे हो ये बारे गल करने तो पहला तो मैं तुहानूं बहुत बहुत शुभकामनावां दिंदा जी। तुसीं भी मिस एंड मिसिज पंजाबन दे विच भाग लै रहे हो तो ये वास्ते वैसे तो सारे ही साडे वास्ते तो सारे ही बराबर ने, तो फिर भी चलो बहुत बहुत शुभकामनावां तुहानूं उहदे वास्ते। तो परसों रिहर्सल दे विच मिलदे आं। तो अच्छा नवनीत, तुसीं ये जिहड़ी है संस्था बनाई है ये कदों तुसीं बनाई है? जिवें मैनूं पता लग्गिआ सी 7 साल पुरानी है। हाँ जी बिल्कुल, ये संस्था आप शुरू तो कुछ ना कुछ ये वास्ते करते थे 10 साल हो गए, बट इनू आप फॉर्मल किया 7 साल पहला। तो यदा जो आइडिया सीगा कि जी एक औरत है वो घर का जड़ होंगी है, जिहड़ा आदमी हुंदा है उन्होंने आपां मुखिया कहने आ, पर जिहड़ी औरत हुंदी है वो घर दी जड़ हुंदी है। जे जड़ मजबूत है तो दरख्त भी मजबूत होएगा, जे जड़ तो उस घर विच हमेशा तरक्की होएगी। इसलिए साडी संस्था दा हमेशा यही कोशिश रही है कि आपां जड़ नूं किवें मजबूत करिए। जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਜ਼ਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਮਨ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਲੋਥਿੰਗ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਡਰਾਈਵ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨਸ ਐਟ ਹੋਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ, ਪਿੰਡ ਅਲੀਵਾਲ, ਪਿੰਡ ਰਿਆਲੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ 13,000 ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। वाह जी वाह। तो ये किवें दिमाग दे विच आया इस संस्था बनाने बारे? किदे तो प्रेरणा मिली? परिवार दे विचों किसे कोलों प्रेरणा मिली या फिर तुहाडे वैसे दिमाग दे विच आया? हमेशा तो आई थिंक साडे परिवार विच भी हमेशा एक जिहड़ा दसबंद कहंदे आपां सिक्खी विच ओ काफ़ी मन्निया जांदा है। आपां अपने फादर साहब नूं, ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। तो फिर तुसी यह शुरू किया हौली हौली करने वास्ते, दसवंध कढ़ के फिर तुसी यह संस्था बनाई। अच्छा, असी हुण पहला गल करांगे जिहड़ी तुसी अजकल ड्राइव कर रहे हो, साडे दर्शक नाल देख सकदे ने। तुसी जिहड़ी इहदा डिटेल दे विच दसो, जिहड़े तुहानूं गुरु घर दे विच किहड़े गुरु घर च गए सी, जिथे तुसी बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कीते आ ते काहदे वास्ते कीते आ, इहदी पूरी डिटेल साडे दर्शकां दा। हाँ जी, सो ये शुरुआत हुई सी क्लोथिंग ड्राइव दी अबाउट 7 साल पहला। अच्छा, क्लोथिंग ड्राइव नाम है? क्लोथिंग ड्राइव मतलब क्लोथिंग, ट्रेडिशनल क्लोथिंग ड्राइव। क्लोथिंग ठीक है। हाँ, मैं क्या क्लोथिंग जेड़ा बंद करने वाला हुंदा कदे, कपड़ियां दी ड्राइव मतलब सीधे लफ्ज। हां जी, 2000 ठीक है। ट्रेडिशनल कपड़ियां दी ड्राइव। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਸੂਟਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਕਣ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ 2-3 ਟੈਚੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 2-3 ਵਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਉਹਦੇ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ऐसे ही थॉट तो शुरुआत हुई सी इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि जदों आप इंडिया जाते थे आप देखते थे कि पिंडा में कितनी सारिया बीबियां ने, कितनी सारिया भैन ने जो कॉलेज जांदियां ने, पर उन्होंने को रोज इको सूट पा के जाते थे। तो फिर मैनू लग्या कि आपां उत्थे टैचियां ते टैची भरे आ ते आपां कुछ करदे नहीं आ ते इक्को सूट पा के रोज कॉलेज जांदे आ, क्यों ना इन्हां दी मदद कीती जावे। तो ये सिलसिला उमें शुरू होया कि आपां एक टैची, दो टैची, तीन टैची भेजने शुरू कीते। फिर आप जो हम कैलीफोर्निया मूव होए 2 साल पहला, तो इतने बहुत पंजाब, मैं वैसे पेंसिलवेनिया तो हाँ, तो उत्थे अपनी पंजाबी पॉपूलेशन थोड़ी घट है, तो 2-3 टैची 2-3 महीनों बाद या 6 महीनों बाद आप भेजते थे सर जाता सीगा। इत्थे कैलिफोर्निया तो इत्थे एक गुरुद्वारा साहब है ब्योनापाक गुरुद्वारा, उन्हां दे नाल गल कीती कि आपां उन्हां दे गुरुद्वारे विच जे क्लोथिंग ड्राइव कर सकीए कि लोकी अपने कपड़े आके गुरुद्वारे छड़ देन, ते फिर मैं वॉलंटियर्स दी मदद दे नाल आपां आके उन्हां नूं पैक करके आपां इंडिया भेज सकीए। ये प्रोजेक्ट इन्ना सक्सैसफुल होया कि नॉट ओनली पंजाबी बट अपने मुसलमान भरा भैन, अपने हिंदू भरा भैन, जिन्ने एरिया विच लोग हैगे आ अपने देसी, सैन डिएगो तो LA तो 2-3 घंटे लोग ड्राइव करके आए अपने सूट ते अपनियां सारे गुरुद्वारे भेजियां। ते साडे को इन्ने ज्यादा कपड़े हो गए कि साडे को लोग नहीं सीगे उन्हां नूं सॉर्ट करके पैक करन लई, साडे को कपड़े बहुत सीगे ते आपां बहुत बहुत खुशकिस्मत आ कि सानू इन्ने लोकां ने मदद कीती। फिर गुरुद्वारे विच जिहड़े सेवादार सीगे उन्होंने साडे नाल कपड़ियां नूं छटवाया, उन्होंने पैक करवाया, ते हुण साडे को तकरीबन 50 वार्डरोब साइज बॉक्सेस हुंदे आ जिहड़े ओ इकट्ठे हो गए कि सानू स्टोरेज यूनिट लैके उन्होंने स्टोर करना पिया क्योंकि साडे स्टोर करन दी ते हुण भी रिक्वेस्ट आई जांदियां ने ते आपां हुण मना कीता, आपां बेनती कीती कि सानू 2-3 महीने दो ताकि आपां लॉजिस्टिक्स फिगर आउट कर सकीए। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਮਰੀਕਨ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਭੇਜੋਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਵਰਜੀਨੀਆ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ हाले फिगर आउट नहीं होए, आपां एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन ने ते एक बांग्लादेशी ऑर्गेनाइजेशन ने जेड़े एक काम पिछले 10 साल तो अपनी कंट्री विच कर रहे हैं, आपां उन्हां दी मदद मंगी है कि वो साडी हेल्प कर सकन ताकि आपां जेड़े इन्ने साडे को 30 बॉक्सेस हो गए वार्डरोब साइज आपां उन्हां नूं लोकां दे कोल पहुंचा सकीए। जी नवनीत, मैं तो आप 2-3 टैची तक कर लिया इकट्ठे, मैं क्या हूँ तो बंद ही करता है ना, चलो कोई नहीं। फिर अच्छा असी हम जी ब्रेक तो बाद गल करांगे, ये करांगे कि एक तो साढ़े दर्शक जोड़े है ने, मैं उन्होंने बेनती करदा तुसी नवनीत नूं कोई सवाल करना चाहुंदे हो कॉल करके कर सकते हो, इन्हां दी कोई हैल्प करनी चाहुंदे हो कॉल करके कर सकते हो, नंबर मेरे कोलों इन्हां दा लै सकते हो नवनीत हुणां दा, तो कॉल करके कोई गल भी करनी चाहते हो, सवाल जो साढ़े दर्शकों का है वो भी कर सकते हैं लाइव प्रोग्राम के, कोई ऐसी गल नहीं, हौसला अफजाई करनी चाहते हो वैसे शब्दों के नाल तो वो भी कर सकते हो। नवनीत आप एक ब्रेक लैनी है, ब्रेक तो बाद फिर हाजिर होने, तुसीं इस तरह बने रहो, फोन कट्टियो ना, होल्ड ते रखियो। जी नवनीत कौर चाहल साढ़े नाल जुड़े हुए ने, बहुत वधिया काम कर रहे हैं, खास तौर पर वैमन वास्ते कपड़े वगैरह जोड़े इकट्ठे करके वो पहुँचाते हैं जिथे कोई जरूरत होंगी है, तो हुण अजकल इन्हां कोल लगभग 50 बॉक्स कपड़े तैयार पे ने। LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। हाजरा जी ब्रेक तो बाद एक बार फिर और गल चल रही है नवनीत कौर चाहल जिहड़े कि फाउंडर ने इंटरनेशनल सिख काउंसल फॉर वुमेन दे। बहुत वधिया लग रहा अज प्रोग्राम करके इहो जिहे प्रोग्राम ते असीं चलो उदां कोई योगदान बड़ा नहीं पा सकते सर साडी कोशिश हुंदी भी इस तरह का योगदान पाइए। उन्हां नाल जुड़दे मैं एक बार फिर दर्शकां नूं दस देवां तुसीं इन्हां नाल कोई गल करनी चाहुंदे हो जां इस काउंसल बारे कोई गल करनी चाहुंदे हो तां कॉल कर सकदे हो। अगले सैगमेंट दे विचों मैं फिर विशा जिहड़ा ओह चेंज हो जाएगा। सो इन्हों कॉल करनी चाहते हो, गल करनी चाहते हो, नवनीत नाल कोई सवाल करना चाहते हो, चाहे इन्हों हौसला अफजाई करनी चाहते हो कि चंगा काम कर रहे हो तो कॉल कर सकते हो इस सैगमेंट में। तो अगर विषय पर गल करनी है तो फिर आप अगले सैगमेंट से गल करांगे। जी नवनीत जी सत श्री अकाल जी एक बार फिर। अच्छा जी आप थोड़ी जी गल करिए भी जे तुसीं कपड़ियां दी गल करदे हो, कपड़े तुहानूं आए ने मैनूं ये लगदा भी 90% तां लेडीज़ दे ही होणे आ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸੂਟਕੇਸ ਪਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਇਹ ਨਾਲੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਟ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਾਕਸ ਪੈਕ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਐਤਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਆਣਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੂਟਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟਾਊਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੌਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤਹਿ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੌਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਓਨਾ ਪਾਰਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਿਓਨਾ ਪਾਰਕ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਬਟ ਬਿਓਨਾ ਪਾਰਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪੌਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ 9 ਤੋਂ 5 कपड़े इकट्ठे करनगे ते लोकी तैमा ला के सोहनी तरह उन्होंने कपड़े देन ते नाल $20-30 देन ताकि वो शिपिंग दी हेल्प हो सके। कुछ ना कुछ आंजी नहीं, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। $20-30 देने पंजाबियों वास्ते ये बहुत वधिया तुहाडा आइडिया हैगा। असी एक काल ले लीए, उस तो बाद असी गल करांगे इस संस्था बारे भी होर की कर रही है ते कीता है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत सुंदर सिंह जी, तुसीं ऑन एयर हो ते नवनीत जी साडे नाल। जगतार सिंह जग्गी जी सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी। ते नवनीत जी बहुत वधिया काम कर रहे हैं। नवनीत कौर, चलो वैसे तो सारे आपो अपने तौर पर करते होंगे, की कहना चाहते तुसीं इन्हां नूं? बहुत वधिया काम जिहड़ा ये कर रहे हैं जी, परमात्मा इन्हां नूं तरक्की बख्शे। जिद्दां ये दसदे आ, हुण मैं थोड़ा जिहा पिछे चलदा टीवी पे, कपड़े हुण घरां 'च समझ लो पिया 100-100 टूक तां एवें अपना टंगिया आ। लेडी सूट साडे एक हैगे ने जी तुहाडे, तुसीं पहिला पेंसिलवेनिया सी, फिलाडेल्फिया साडे कोई हैगे ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 सूट ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇ। 3 सूटकेस, सॉरी सूट नहीं सूटकेस। मेरे को 25-30 सूट जग्गी जी पाए इंडिया जो आए समा के ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, 22 साल हो गए उदां टंगे हुआ, कदे पा के ही नहीं देखे। चलो ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਕਟਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕੋਟ ਬੇਲ ਵਾਲੇ ਕੀ ਆਹ, ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੱਪੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਪੜੇ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਲੇ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। हाँ, ये है भी ये जी इन्होंने गल की है, वो थोड़ा जहा हो जाए तो इन्हों का काम सौखा भी, तय ला के कपड़े साफ सुथरे हो, क्योंकि वो जो लोग सड़ते हैं सारे उदा ही कट्ठे कुट्ठे करके सड़नते हैं। इदा का किसी ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਆ ਧੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੈਅ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਲੇ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦਾਇਰਾ ਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕੱਟਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਕ ਬਲ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਮਾਰੀ ਇਸਨੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੈਂਕੀ ਮਾਰੀ ਹੱਕਦਾਰ ਦਾ ਮਾਰੇ ਹੱਕ, ਹੈਂਕੜ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਭੁਲਾਵੇਂ ਨਿਭਣ ਨੇਮ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨੱਕ, ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀਂ ਦਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾਗੀ ਬਖ, ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਨਾ ਹੋਈ ਪੰਡਤ ਪਖੰਡੀ ਮਾਰੇ ਝੱਕ, ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਪੱਕ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਰ ਲਿਆ ਨਾ ਰੱਖ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾ ਲਾਵੇ ਚੜਾਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਰੇ ਝੱਖ, ਹਸ਼ਿਆਰਾਂ ਦਾ ਦੇ ਡਰਾਵਾ ਬੇਦੀ ਰਾਖੀ ਦਿੱਤੇ ਰੱਖ, ਮਾਇਕ ਫੜ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਖਾਸ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲੜਦੀ ਮੱਖ, ਭਰ ਲੈ ਤੇ ਖਾਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਕੱਖ, ਪਾਪ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਈ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ, ਪਾਪ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਭੁੱਲਾਂ। ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲਿਖਣੀ, ਦੱਸੋ ਐਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਉਨੇ ਰੋ ਜੀ 559 ਏਰੀਆ। हाँ जी, हाँ जी, सत श्री अकाल जग्गी साहब। हाँ जी, गिल साहब, गिल साहब स्वागत है जी। हाँ जी, हाँ जी, नवरीत नूं बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। बहुत चंगा काम कर रहे हैं। तो मेरा की ख्याल है भी जे असी जिथे किसानां दा अंदोलन हो रहे हैं तो उत्थे बीबियां भी आउंदियां, जे असी उन्हां नूं उत्थे डोनेट दे करिए तो मैं तुहाडा जिहड़ा आउण जाण दा खर्चा उहदे च मैं 2000 का मैं शेयर पा दिंदा, $2000 का। चलो जी, बहुत मेहरबानी जी, जरूर तुहाडा बहुत धन्नवाद। तुसीं हमेशा ही कोई भी काम हुंदा तुसीं नाल बहुत साथ दिंदे हो, वध चढ़ के। हाँ जी, हाँ जी, उत्थे दूरी मदद हो जाऊगी। देखो अगर आपां किसानां नूं कामयाब करांगे जां उत्थे होर किसे ने लैके जाणे तां उहनां नूं उत्थे मिल जाणगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 सही। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी गिल साहब, तुहाडी बहुत मेहरबानी। हाँ जी, हेलो जी, सत श्री अकाल जी। ऑनर हो जी 917 एरिया कोड। सत श्री अकाल जग्गी भाजी, की हाल चाल है? ठीक ठाक जी, तुसी सुनाओ। सत श्री अकाल नवनीत कौर जी, वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड एफर्ट्स। सो मैं न्यूयॉर्क से बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। देयर इज एनी वे वी कैन कलेक्ट दिस स्टफ इन न्यूयॉर्क एंड शिप टू कैलिफोर्निया और? हाँ जी, बिल्कुल। आ जिवें पहला उन्होंने गल दसी है ना जी, भी गुरुद्वारा साहब दे विच अगर लिख के ला दिता जाए तो नाल बॉक्सा रख दिता जाए तो भी तय ला के धो के कपड़े उहदे होण फिर वह आप कैलीफोर्निया भी तुसीं शिप कर सकते हो डायरैक्ट भी आप शिप कर सकते सारे नाल मिल के। रीजन पता कि हुण साडी एड्डी वड्डी फैमिली है कि गुरुद्वारे लाउण दी लोड़ ही नहीं। अच्छा अच्छा कपड़े इकट्ठे हो ते मैं फिर तुहाडा नंबर नोट कर लेना, मैं फिर तुहानू संपर्क कर लांगे जे असीं अपना की हो सकदा है जे जो भी हो सकदा होया असीं उत्थों तुसीं इत्थे नू शिफ्ट करीए ते इत्थे नू हो जाणगे जां जिवें भी होया आपां सैट कर लांगे जी। तुहाडा नाम की जी? सुखदेव सिंह। जी ठीक है भाजी, थैंक यू जी, थैंक यू तुहाडा बहुत 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 धन्नवाद, थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। नवनीत बहुत साढ़े पंजाबी इहो जिहे हैगे ने, उन्होंने जिवें इन्होंने कहा जी साढ़े तो लोड़ ही नहीं रखण दी, साढ़े ही इन्ने हो जाने कपड़े कि असीं करदे हो। तो गिल साहब अजीत सिंह जी गिल हैगे ने जी फ्रिजनो तो, यह भी फार्मर ने बहुत वड्डे इत्थे ते नाल हर काम दे विच योगदान पाउंदे वध चढ़ के। अच्छा नवनीत उदा जे किसी ने जुड़ना होवे तुहाडे नाल ते तुहाडी जिहड़ी हैगी आ ऑनलाइन भी जुड़ सकदे आ, ते फोन नंबर भी कोई दित्ता जां नहीं? हाँ जी, मेरा फोन नंबर तो तुहाडे कोल हैगा ही है, साडी वैबसाइट है www.iscw.org ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ w is ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ contact@iscw.org। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ जुड़ना चाहोगे। मैं सौखा कम दस दिंदा जी साडे दर्शकां नूं, इह बहुत लंबा इन्ना चेते भी रहना लिखिया भी नहीं हैगा, आपां अगली बार लिख देवांगे थल्ले। सौखा काम यह है जी मेरा सेल नंबर सब कोले हैगा, सब कोले सेल नंबर हैगा ते मेरे को नंबर तुसीं इन्हां दा मोबाइल नंबर भी लै सकदे हो ते होर इन्फॉर्मेशन चाहिदी होवे ते ओह भी लै सकदे हो। मैं इन्ना क जरूर जिहड़ा योगदान ओह पा सकदा। ते नवनीत होर इस संस्था वल्लों की काम कीते गए ने ते की कीते जा रहे ने आउण वाले समय दे विच? हाँ जी जरूर, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ 501c3 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆਵਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਮਾੜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਟੇ ਦਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਲਾਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਆਪ ਕਮਾ ਸਕਣ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ। ਗੁੱਡ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਵਿਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਆਉਣੇ ਰਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं यही कहूँगी कि तुसी किसी संस्था के थ्रू करो या जो तुसी आप करो, जे तुसी कर सकते हो तो किसी लोड़वंद की मदद जरूर करो। असी खुश नसीब हाँ जिहड़े आपां अमेरिका कैनेडा च रहिंदे आ, सानूं परमात्मा ने इन्ना कुछ दिता है कि आपां जिहड़े गरीब ने उन्हां दी मदद कर सकीए। तुसीं साडे नाल जुड़ना चाहते हो, यू आर मोस्ट वैलकम। तुसीं आप कल्ले करना चाहते हो, तुहानूं जे कोई इन्फॉर्मेशन की लोड़ है कि तुसीं कल्ले भी किसी की हैल्प किवें करनी है तो तुसीं सानूं जरूर संपर्क करो। तुसीं किसी होर संस्था नाल करना चाहते हो, आप गल है मदद करन दी, तुसीं किसी भी करो। गल हैगी कि जिन्होंने लोड़वंद है उन्होंने मदद मिलनी चाहिए, भावें सही लोगों तक चीज़ पहुँचनी चाहिए है। एक बहुत सारे साडे लोगों नूं यह भी कन्फ्यूजन है पंजाबियों नूं भी जिहड़ी असीं चीज़ दित्ती आ जां पैसा दिता वो सही जगह लगेगा भी कि नहीं लगेगा, क्योंकि इहदी आड़ थले बहुत लोगों ने अपने घर भरे ने। बिल्कुल बिल्कुल, एंड ए बिकॉज आप नवीं ऑर्गेनाइजेशन आ, ए चैलेंज सानू भी आ रहा है क्योंकि आई थिंक एक ट्रस्ट हुंदा है, वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड हुंदा। वो ट्रस्ट असी उदों ही बिल्ड हो सकदा है जदों तुहाडे वर्गे लोग साडे नाल जुड़न ते देखण कि आपां हत्थी वो कपड़े लैके आपां हत्थी उन्हां पिंडां नूं दे रहे हां। पर ये कल्ला इंसान नहीं कर सकता, ये लिए जिवें मैं क्या कम्यूनिटी एफर्ट की लोड़ है। अगे ऑन कम्यूनिटी मैंबरस वो अपने हथी लोड़वंदा नूं देण ते सब नूं पता लगे कि आपां सच्ची लोगों की मदद कर रहे हैं। तो असी हुण तक जो करते सीगे आपां सोशल मीडिया ते नहीं पाते सीगे क्योंकि सानू असी नहीं चाहते सीगे कि किसी नूं लगे कि उन्हां दी फोटो टीवी ते आ रही है कि ये लोड़वंद सीगे आपां उन्हां दी हेल्प कीती। बट आप उस जमाने च रह रहे हैं कि जे आप हैल्प करते हैं तो सानू लोगों नूं दिखाना पैंदा है कि आप हैल्प कर रहे हैं, किहदी हैल्प कर रहे हैं, ताकि अपना ट्रस्ट बनाने लई। इसलिए तुसीं साडे नाल जिस तरह भी जुड़ना चाहो, मेरी बेनती है कि तुसीं साडे नाल जुड़ो तो तुसीं आप अगे आके देखो कि आप किस तरह मदद कर रहे हैं। क्योंकि ये संस्था आप शुरू ही इसलिए कीती सीगी क्योंकि असी भी चाहते सीगे कि जिहड़े जिन्हां नूं लोड़ है उन्हां तक लोड़ पहुंचे, क्योंकि असी भी उन्हां संस्थावां दे नाल जुड़े सीगे किसी जमाने च ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਖੋਲਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਮਦਦ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਵਨੀਤ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। नवनीत कौर जी गल कर रहे थे इंटरनेशनल सिख काउंसिल फॉर वीमेन तो ये बहुत वधिया काम कर रहे हैं। सो असी रल के असी किसी भी जिथे भी असी करना चाहते हैं यह संस्थावां जो लगता भी सही काम कर रही हैं उन्हों का साथ जरूर देना चाहिए। एक ब्रेक लेने, ब्रेक तो बाद फिर हाजिर होवांगे। देखते रहो जस पंजाबी। हाजिर है जी ब्रेक तो बाद एक बार फिर, तो ब्रेक तो पहला जिवें गल चलती सी नवनीत कौर नाल ते हुण असी कालां लैंदे आं ते नाल नाल छोटा जिहा विषय रख के फटाफट, समां बहुत थोड़ा। मोदी साहब आए होने अमेरिका के फेरी तो बहुत सारे राजेवाल साहब की वीडियो भी सामने आई है, दिखाने का हम टाइम नहीं, जिन्होंने कहा कि उन्होंने विरोध करो। यू एन ओ सामने 25 सितंबर को परसों जाने के उन्होंने भाषण देना है यू एन ओ भी, उन्होंने सामने जाके उन्होंने विरोध करो तो जोड़े नहीं उत्थे पहुँच सकते तो वो आपो अपने गुरु घरों के जाके किसानों के बैनर लैके आपो अपने गुरु घरों के इकट्ठ करो, राजेवाल साहब ने कहा। तो कल नूं 24 सितंबर को भी वाशिंगटन DC के हो रहा जिहड़ा उत्थे भी इकट्ठ हो रहा 2 तो 4 बजे तक विरोध दे विच मोदी साहब दे। ते दूजा पक्ष देखिए तो उन्होंने हक दे विच भी बहुत सारे लोग जिहड़े साउथ दे ने खास तौर पर बहुत सारे लोग उन्होंने नारे ला रहे हैं उन्हें हक दे विच। असी थोड़े समय जिन्ना बचा यही गल करनी है भी तुहाडे की विचार ने उन्हों का विरोध। मेरे हिसाब दे नाल असी अगर पंजाबी होने के नाते गल करिए तो सारे तकरीबन विरोध करना बनता है क्योंकि काले कानून जिहड़े हैगे आ, और जिन्ना वध तो इकट्ठ होएगा कल नूं उत्थे कैपिटल दे उस दे मोहरे ते नाल जिहड़ा हैगा वा यूएनओ दे मोहरे तो उन्ना ही ज़्यादा प्रभाव मेरे ख्याल पेगा। तीर साहब जुड़े ने फोन ते उन्हां नाल थोड़ी देर वास्ते गल करदे जी। साहब तीर साहब बहुत बहुत स्वागत जी। हाँ जी सरदार जगतार सिंह जी सत श्री अकाल, ते मेरे सारे भैन भरावां नूं भी सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी कल नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए, हाँ जी, ते मैं बड़ा हैरान हुंदा सी। मैं उन्हां दा आज तक जिहड़ा मोदी गोदी मीडिया उन्होंने मैं सुन रहा सी, वो उत्थे बोल रही थी कहंदी नरेंद्र प्रधान मोदी साहब आज USA में पहुंच गए हैं वो देखिए बारिश में खुद अपना छाता लेकर बाहर निकले। मैं क्या हुक्म आलोगी कोई छाता लेके बाहर निकलिया कि छाता तो पौड़ियां तक सी 10 पौड़ियां होनी उतरन वाली तो बाद दूसरे दिन फड़ा तक इनू और दसो भाई की गल्लां करदे ने कोई फरिश्ता कोई रब वांगू इहनूं पूजदे ने। दसो ये बंदियां ने चुनिया होया कि ये लोग की करदे ने इन्हां इहनूं ओ सतवें समान दे चढ़ाया होया। हुण जिहड़े साउथ वाले ओहदे हक विच बोलदे आ ओह दसण भी नरेंद्र मोदी ने काम किहड़े कीते ने। स्टेडियम बनाया जी काफ दे नां ते ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੀਏ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ पर जी अमेरिका की लॉबी है या अमेरिका की गवर्नमेंट आ उन्होंने जरूर असर पऊगा जी। हाँ जी जी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आ मुजाहरे करो दब के करो जोरदार करो। जे इतने साढ़े कैनेडा आया मैं भी चाहता मुजाहरे च पर इतने यूएसए रेंदे जे साढ़े भैन भरा मुजाहरे कर क्योंकि उत्थे किसान बैठे ने। देखो 26 नवंबर पिछले साल दे 1 साल तो उत्थे हो गया उन्होंने मोर्चा लाया कोई गल नहीं सुनता। बाकी सारे जिन्ने भी इंडिया के मुलाजम ने वो दुखी ने जो किसी ने किया कोई काम तो इन्हें चंगा किया नहीं किसी मंदिर से पैसा लाता कदे किसी लाता ये कोई प्रधानमंत्री के काम होंदे ने जे तो उत्थे इन्होंने 600-700 करोड़ तो वध अफगानिस्तान दे विच पैसा बर्बाद कर दिता। उही इंडिया के लोगों से पैसा लाउंदे जी जी जी। पैंडेमिक के दौरान कितनी दुनिया मर गई तो इन्होंने उदों की किया जो लाशा रुड़दियां सी गंगा दरिया दे विच जी जी जी। चलो असी बेनती करते हैं असी अपने तौर पर बेनती करते हैं जी जरूर जिहड़ा जिथे पहुँच सकता जरूर पहुँचो। तो दूजा जो राजेवाल साहब की गल ते अमल हो सकता है कि आपको अपने गुरु घरां दे विच जाके ते बैनर लैके खड़े हो तो उत्थे जाके विरोध करो तो ओहदा भी असर सारी बंदे दूजिया कमिटियां भी नाल लै लो अमेरिकन लोगों भी नाल लै लो तो सारे रल के मुजाहरे करो। एमनेस्टी इंटरनेशनल नाल लै लो ह्यूमन राइट्स वाले नाल लै लो। उन्होंने सारे पता ही है उत्थे की कुछ करता है घट गिनतियां दे जुल्म हो रहे ने किसी की गल नहीं सुनता। मुसलमानों के जुल्म हो रहे हैं सिखा के जुल्म हो रहे हैं दूजे धर्म से जुल्म हो रहे हैं जिमें कितने एको धर्म का यह प्रधानमंत्री होंगे ये किसी की कोई गल नहीं सुनता। बस तो बस मुजाहरे करो दब के मुजाहरे करो। बहुत मेहरबानी जी सत श्रीकाल बहुत मेहरबानी जी। नाल यह भी प्रोग्राम का समा हूँ ब्रेक तो बाद काल तो नहीं लै होनी एक अनाउंसमेंट जी मैं हैगी आ अजीत सिंह गिल हैगे ने फरीनो के जिन्होंने कॉल भी की सी तो कहें भी किसानों की अगर लिस्ट सूँ मिल जाए शहीद होए किसानों की उन्होंने परिवारों की लिस्ट मिल जाए पिंडों के नाम मिल जाए फोन नंबर मिल जाए उन्होंने डायरैक्ट हैल्प करनी चाहते हैं किसी के विचाले तौर पर वो नहीं भेजना चाहते पैसे तो डायरैक्ट किसी को होवे लिस्ट या किसी को अवेलेबल होवे तो वैसे मेरे ख्याल ऑनलाइन भी मिल जाएगी या असीं राजोवाल साहब नूं कोशिश करांगे संपर्क करके उन्होंने को लिस्ट मिल जाए तो वो जरूर गिल साहब उन्होंने डायरैक्ट जिहड़ी आ हैल्प करनी चाहते हैं। एक ब्रेक होर लैनी पेगी ब्रेक तो बाद आके कालां नहीं लै होणियां देखते रहो 10 मिनट। प्रोग्राम का समा खत्म है उम्मीद करता जी प्रोग्राम चंगा लग्या होगा। तो बाकी मोदी साहब की सानू मैसेज भी आए हैं एल ए तो भी आए हैं कि तुसीं ऐड चलाओ भी सारे जाने यूएनओ के सामने इकट्ठे होइए। सो असीं ये बेनती करते हैं अखीर के जोड़े भी लोग जा सकते हैं यूएनओ के सामने जिथे मोदी साहब ने भाषण देना है तो उत्थे जरूर पहुँचो नहीं तो किसी ना किसी तरीके अपनी हाजिरी जिहड़ी लवा सकते हैं वो जरूर लवाओ। तो बाकी कोई चंगा काम जिहड़ा कर लेना चाहिए वधिया गल है। तो 2 अक्तूबर नूं सिनसिनाटी दे विच मेला हो रहा पंजाबी सभ्याचारक मेला पंजाबी कल्चर सोसायटी वालों तो 16 अक्तूबर नूं मिसन मिसन पंजाबन एल ए दे विच ते 30 अक्तूबर नूं सरताज का शोअ है तो 7 नवंबर का युवा श्री का नगर कीर्तन जिहड़ा आपां सारे रल मिल के करांगे। अखीर दे विच हुण मैनूं आग्या दिओ जी सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। खुश रहो खुश रखो रब राखा जीवे पंजाब जीवे पंजाबी नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला।